हेलो फ्रेंड, जय माता दी। आज मैं बताऊंगी कि धन प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन क्या करें और क्या करना अच्छा होता है, क्या करना नहीं अच्छा होता है। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। धन की प्राप्ति के लिए इस दिन अपने पूजा स्थल की सफाई करके भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की विधि विधान पूजन जरूर करें। साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अक्षय तृतीया के दिन उन्हें कमल या गुलाब फूल अर्पित करें एवं खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से जीवन में धन एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। अपार धन प्राप्ति के सरल उपाय जो मैं आपको बोलूँगी, जो आपको अक्षय तृतीया के दिन जरूर आजमाना चाहिए। अक्षय तृतीया पे करें ये 6 आसान उपाय और आपकी झोली भरी रहेगी धन से। धन संपत्ति का सीधा संबंध वास्तु शास्त्र से होता है। किसी भी जातक के परिवेश में सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियाँ उसके जीवन पर असर डालती। आइए जानते हैं वो खास परंतु सरल उपाय जिन्हें आजमाने से किसी के भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। अक्षय तृतीया के शुभ नक्षत्र पर किए जाने वाले ये उपाय महालक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न कर देते हैं। अक्षय का मतलब होता है जो कभी ना समाप्त हो, इसलिए इस दिन अच्छे काम ही करें, बुरे काम ना करें, नहीं तो उसका बुरा फल आपको मिलेगा और आपको कई जन्मों तक भुगतना भी पड़ेगा। लग्न राशि के स्वामी ग्रह को करें प्रसन्न। प्रत्येक जातक की एक चंद्र राशि होती है और इसी तरह जन्म कुंडली के समय संबंधित लग्न राशि भी होती। जातक गुण व व्यवहार को लग्न राशि काफ़ी हद तक प्रभावित करती। यदि किसी के कार्य नहीं बन पा रहे हैं या आर्थिक रूप से तकलीफ में है तो वो अपनी लग्न राशि के स्वामी ग्रह के अनुकूल रंग की कोई वस्तु अपने साथ रखे। स्वामी ग्रह के रंग से संबंधित कोई एक छोटा सा कपड़ा अपने साथ रखे। अलमारी से उचित स्थान पर धन की अलमारी उत्तर दिशा की तरफ रखें। दक्षिण की दीवार पर अगर लगी हो तो यह धन वृद्धि में लाभदायक साबित होती है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। प्रातः सुबह लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए घर में मुख्य द्वार के दाहिनी या बाईं तरफ घी का दीपक जलाना चाहिए। इन दोनों कार्यों से धन की देवी माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और जिस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है उसे हर चीज़ मिल जाती है। घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी का स्वरूप, गणेश भगवान के स्वरूप को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर में धन संबंधी सभी समस्याओं का अंत होता है और घर में नकारात्मक शक्तियों का भी उदय नहीं होता। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ हैं तो आप अपने घर में गणेश जी की मूर्ति जरूर लगाएं और पूजा पाठ करें। घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। घर में तुलसी की सेवा करने से धन धान की कोई कमी नहीं होती। तुलसी के पौधे पर नियमित रूप से दीपक लगाएं और पूजन से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। गोमती चक्र को चारा खिल गौ माता को भी आपको चारा खिलाना चाहिए। नित्य सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता को हरा चारा या आटे का भोग लगाने से लक्ष्मी माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इससे आपको बहुत ही जल्दी धन वृद्धि होती। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से माता लक्ष्मी की विधि विधान पूर्वक जन अर्चना करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार गरीब असहाय निर्धन लोगों को दान देने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों को भी आपको इस दिन दान देना चाहिए, इससे आपको अधिक ही लाभ होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन से ही त्रेता युग सतयुग का प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का प्रागट्य हुआ था। अक्षय तृतीया 3.5 स्वयं मुहूर्त में एक है। वर्तमान युग अर्ध प्रधान युग है। आज प्रत्येक व्यक्ति एन के प्रकारेण धन पाना चाहता है। धन की प्राप्ति के लिए वह कभी कभी अनैतिक कार्य करने में संकोच नहीं करता, जबकि ऐसा करना अनुचित है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में ऐसे कई धनदायक प्रयोग हैं जिनके अक्षय तृतीया के दिन संबंधता आपके घर में आ जाएगी। अक्षय तृतीया के दिन आपको ये सब जरूर करना चाहिए ना। अक्षय तृतीया के दिन अपने पूजा स्थल में एकाक्षी नारियल को लाल वस्त्र में बांध कर स्थापित करें। व्यापारी गण एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रखें। अक्षय तृतीया के दिन चांदी की डिब्बी में शहद और नाग केसर रखकर अपनी तिजोरी में रखें। अक्षय तृतीया के दिन गूलर की छोटी जड़ स्वर्ण ताबीज में भरकर अपने गले में धारण करें। अक्षय तृतीया के दिन 11 गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर धन स्थान में रखें। अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी कारण कौड़ियों को पीले वस्त्र में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल 3 या 5 गोमती चक्रों का
चूर्ण बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार के सामने बिखेर दे। माँ लक्ष्मी जी के चांदी के चरण पादुका मंदिर में लाकर रखे अखंडित दीप जलाएं। दक्षिणावर्ती शंख में पानी भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इसके साथ ही दूध दही भी अर्पण करें। अक्षय तृतीया पर गरीबों को कुछ अन्य वस्त्र दान करें। अक्षय तृतीया ललित सहस्त्र नाम और श्री सूक्तों का पाठ या माता त्रिपुर सुंदरी व माता लक्ष्मी का अर्चन करें। इन प्रयोगों को श्रद्धा प्रभाव से एवं विधिवत से संपन्न करने पर धन लाभ की संभावना प्रबल हो जाती है। ये सब आपको अक्षय तृतीया के दिन जरूर करना चाहिए, जिससे आपको को बहुत ही फल मिलेगा। अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी ना करें यह काम, नहीं तो माता रानी हो जाएंगी नाराज। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन प्लास्टिक, एल्युमिनियम या स्टील के बर्तन और सामान ना खरीदें। ऐसा करने से राहु का दुष्प्रभाव होता है और घर में दरिद्रता आती है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा स्थल, तिजोरी या धन स्थान को भूल कर भी गंदा ना रखें। जगहों पर गंदगी रखने से माता रानी रूठ जाती हैं। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर जुआ, चोरी, लूट, झूठ बोलने जैसी गलतियों से आपको दूर रहना चाहिए। इस दिन भूल कर भी किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके पास कभी नहीं आती हैं। अक्षय तृतीया के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन पीतल या तांबे के बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। आप पीतल या तांबे से बनी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा अपने घर ला सकते हैं। ये सब ला के आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और जिन चीज़ों के बारे में मैंने कहा है कि जो आपको नहीं करना चाहिए, वो कृपया आप ना करें, नहीं तो आप ही को नुकसान होगा और आप ही का कुछ ना कुछ हानि होगी। अक्षय तृतीया के दिन आपको धन के लिए पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दें, फिर वापस आके घर में मुड़ के ना देखें। अगर धन की स्थितियाँ बनी हो तो किंतु लाभ नहीं मिल रहा हो तो आपको माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करना चाहिए, इससे आपको जल्दी ही लाभ मिलेगा। अक्षय तृतीया के यदि आप कुमकुम दान करेंगे तो आप यह आपके पति को लंबी आयु और समृद्धि के लिए बहुत ही शुभ होगा। मिट्टी का घड़ा दान करने से बीमारियों और परेशानियों से मुक्ति होती है। एक दिन अपने बच्चों को छाछ दान कराने के लिए कह, क्योंकि अक्षय तृतीया पर छाछ दान करने से आपका बच्चा अपने अकादमिक क्षेत्र में सफलता हासिल करेगा। चंदन दुर्घटनाओं के खतरे से बचने के लिए इस दिन आपको गरीबों को चंदन बांटना चाहिए। किसी को दही, ये दही चावल दान करने से आप अपने जीवन में सकारात्मकता पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर दे। इस दिन बिस्तर दान करने से आपके जीवन में दीर्घायु और खुशहाली मिलती है। गुड़ दान करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती। कहते हैं इंसान के मृत्यु के बाद का सफ़र बहुत मुश्किल होता है, अगर छाता दान करने से मृत्यु के बाद कष्ट नहीं होता। माना जाता है कि घी दान करने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है। इस दिन नमक दान करना धर्म करना चाहिए, क्योंकि इस दिन घर की नकारात्मकता और ऊर्जा दूर हो जाती है। हाथ का पंखा दान करने से दो गुना फल की प्राप्ति होती है। यदि आप अक्षय तृतीया पर किसी को खड़ाऊ दान करते तो आपको मृत्यु के बाद नरक में जाने से नहीं पड़ेगा। इस सब बातों का आपको विशेषकर ध्यान देना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को नारियल दान करने से आपके पूर्व जन्मों के जितने भी पाप हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। इस दिन ज़रूरतमंदों को कपड़ा दान करने से लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।